तो भाई आज बहुत काम था। सुबह 6 बजे से बुलाया हुआ था चीफ इंजीनियर ने, एमरजेंसी हो गई थी। मेन सी वाटर पंप लीक कर रहा था, तो अभी 5 बज रहे हैं, अभी आया हूँ। और दूसरी बात, व्लॉग तो मुझे बहुत पहले से बनाने का शौक था, लेकिन इक्विपमेंट कुछ भी नहीं था और कॉन्फिडेंस भी नहीं था। खैर इक्विपमेंट तो अब भी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस आ गया है। और दूसरी बात ये, मैंने आपको बताना ही भूल गया कि मैं हूँ कहाँ पर, तो आओ दिखाता हूँ कहाँ हूँ मैं। मैं हूँ शिप पे और शिप सेल कर रहा है रेड सी में। अगर चीफ इंजीनियर ने यहाँ देख लिया मुझे तो वो वापस इंजन रूम में ले जाएगा। इससे पहले अब जब केबिन में आ ही गए तो केबिन भी देख लो। जो लोग मुझे जानते हैं या मेरे साथ सेल कर रहे हैं उन्हें पता है कि मेरा केबिन इतना वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता, तो तुम लोग खुश नसीब हो, ये पहली और आखिरी बार तुम लोग इतना साफ़ सुथरा मेरा केबिन देख रहे हो। भाई तो ये मेरा यूनिफॉर्म। सीन ये है कि भूख लगी हुई है और खाने का टाइम भी हो रहा है, तो पहले चलते हैं खाना खाने के लिए, फिर उसके बाद ले चलूँगा इंजन रूम में, इंजन रूम का थोड़ा सा मुआयना कर लेंगे। और मेन इंजन भी खुला हुआ है, वैसे 2 मेन इंजन है, एक खुला हुआ है ओवरऑलिंग के लिए, लेकिन सेलिंग अब भी कर सकते हैं क्योंकि 2 मेन इंजन है। तो खाने के बाद इंजन रूम में। ये ECR इंजन कंट्रोल रूम, यहाँ से सारे शिप की मशीनरी कंट्रोल की जाती है, सब पैरामीटर्स वगैरह चेक किए जाते हैं। ऑन बोर्ड जितनी भी मशीनरीज हैं ये उनके मैनुअल्स हैं। वैसे शो तो बहुत है इंजन रूम में, तो मैंने कम कर दिया। ये पिस्टन और कनेक्टिंग नोड है जो मेन इंजन खुला हुआ है उसके, और ये मेन इंजन है, एक खुला हुआ है एक रनिंग कंडीशन में। और ये जो सामने है ये है फ्रेश वाटर जनरेटर, ये सी वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करता है, जैसे नहाने धोने के लिए जो पानी यूज़ होता है वो इससे आता है। चलो यार, दिखा दिया इंजन रूम जितना दिखा सकता था, ECR भी दिखा दिया। अब इसी व्लॉग में सब कुछ नहीं दिखा सकता क्योंकि इंजन रूम, माना इंजन रूम छोटा है शिप का, लेकिन इतना भी छोटा नहीं कि एक ही व्लॉग में सब कुछ बता दें, एक पूरा व्लॉग चाहिए होगा इसके लिए। तो नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा एक व्लॉग पूरा इंजन रूम के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले व्लॉग में। Thank you.